मैं काजल और ये मेरे हस्बैंड सूरज। नमस्ते। हम लोगों ने भागकर शादी कर लिया है और मैं अपने सिटी के पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी दे ताकि वो हमारा ख्याल रख सके। इसके जो पापा है बहुत ही पावरफुल है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज हम लोगों ने मीडिया का सहारा इसलिए लिया है कि हम अपनी जान बचा सकते, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। और अगर हम उनके हाथों आ गए तो वो हमें सच में जान से मार डालेंगे। यही बात कहने के। और पापा प्लीज आप मान जाओ और शांति से हमें जीने दो। अगर आप सूरज के पेरेंट्स को कुछ भी किए ना तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से किया है और मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। और एक बात, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर मुझे या सूरज को इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा होंगे। थैंक यू। काजल, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, और ये क्या तमाशा है? हाँ, ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है? थोड़ी भी लाज शर्म है या नहीं है? तुझे पता भी है हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? इसका थोड़ा भी अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा तो शायद आपको नहीं है। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं? देखिए, अब मैं बच्ची नहीं रही। काजल देख, तो हम सब के लिए बच्ची ही है। ये सब छोड़, जा पापा से माफी मांग। माफी माय फुट। सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती तो अपना माली पूरे शहर का मजनू कहलाता। जैसा नाम वैसा काम। क्यों किया तूने ऐसा? आखिर कालिख पोत दिया ना तूने मेरे खानदान पे? क्यों किस्सा बना दिया तूने मेरी इज्जत का, जिसे कल तक तू अपना हिस्सा मानती थी? हम आपके गुस्से और इन गुंडों से डरने वाले नहीं। चांद से मार डालिया हमें, पर हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। तू क्यों झुकेगी? तू क्यों झुकेगी? झुकूंगा तो मैं, क्योंकि मैं बाप जो हूं। और तूने तो इश्क किया है, इश्क। प्यार किया तो डरना क्या? छे, घिनना तू। जब इतना ही घिनाती है तो पैदा ही नहीं करना था ना। वैसे भी आजकल तो बेटियों को कोख में मारने का फैशन हो गया है। गलती हो गई, गलती हो गई, क्योंकि मैंने एक बाप बन के सोचा था। क्या बात है कविता, तुम रोए क्यों जा रही हो? आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? तुम्हें हमारे बच्चे की कसम, है
उस बच्चे की कसम खा रहे हो जिनसे लोग दुनिया में आने। क्या साफ साफ बताओ बात क्या है? तुम्हारे मम्मी पापा कह रहे हैं हाँ। कि अबॉर्शन करवा लो, हमें लड़की नहीं चाहिए। देखो तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठंडक पहुंची कर ले जाको। या कुछ और सुनना चाहोगी तो सुनो। विजय, आई रेस्पेक्ट योर इमोशन एंड एग्री टू योर डिसीजन, बट स्टिल यू थिंक वंस अगेन। देखो, एशिया की इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए एक बार सोचना जरूर। सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। वैसे भी बाप खुशकिस्मत लोग ही बनते हैं, वो भी बेटी का बाप। गुड बाय सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कमाल। कविता, कविता मैं आ गया हूं, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पक्का? पापा आ गया, अब मेरी बिटिया रानी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माफ कर दो पापा।
छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मुझे माफ कर दो पापा। बेटी घर वापस आ गई है, उसे अपनी गलती का भी एहसास है। छोड़ दीजिए जरूर, कर दीजिए उसे माफ। माफ तो मैं उसे कर ही दूंगा, क्योंकि मैं बाप जो हूं। और हां, वैसे फैशन से मुझे कुछ याद आया, तू पहले मुझे ये बता, ये कौन सा फैशन है कि अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके किसी अनजान लड़के के साथ घर से भाग जाना और अपने प्रोटेक्शन का वीडियो बनाकर किसी सोशल साइट्स पे डाल देना, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि पीठ पीछे लोग क्या क्या कहते हैं? देखो, इसी की बेटी घर से भाग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। हाय दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि हमें और ऐसे भी बहुत सारे वीडियो बनाने और आपको एंटरटेन करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आप लोगों का ये प्यार मिलता रहे। चलिए अब मैं अपने इस वीडियो के कुछ कलाकारों से आपका परिचय कराता हूँ। तो प्लीज रजनीश सहाय। नमस्कार दोस्तों, ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी अपना व्यूज़ ज़रूर दें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने दूसरे कलाकार से, ज्योति गुप्ता। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ ज्योति गुप्ता, आई एम एन आर्टिस्ट, एंड अपना रिव्यू इस वीडियो के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से। लाइक, कमेंट, शेयर एंड एक मिनट, अरे अपने प्रोड्यूसर साहब को भूल गए, मनोज भैया जल्दी आइए, मिस्टर मनोज सिंह। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज नमस्कार।